हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की विद अ डिटेल डिस्कशन। मतलब आज जो क्वेश्चंस करेंगे हम उसके बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं। आज हम सिर्फ एक आंसर पे ध्यान नहीं देंगे, हम जितने भी तीन ऑप्शंस हैं उन पे भी ध्यान देंगे, उसके बारे में और जानेंगे। तो थोड़ा डिटेल डिस्कशन होगा आज और ये जो क्लास है हो सकता है 1.5 घंटे की हो जाए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कम में करने की, अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। वैसे मैंने ध्यान रखा है कि ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो प्लीज़ कॉपरेट विद मी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको CSI UGC NET की प्रिपरेशन करनी है तो क्या कर सकते हैं आप हमारे साथ अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। जैसे कोई बच्चा मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है या फिर मास्टर्स के सेकेंड ईयर में है या फिर वो ड्रॉप आउट है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक चांस दे सकते हैं। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग देखने जाओगे तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे मिलना और तुम लोगों को प्रॉपर नोट्स मिलना। तो लेकिन इसमें क्या होगा, आप अनअकैडमी पे अगर आप ज्वाइन करते हो हमारे साथ तो आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगी। सेकेंडली आपको टीचर से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, लाइव क्लासेस होती हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, दैट इज़ गेट सब्सक्रिप्शन पे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ये स्लाइड आएगी। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 6 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी है। जैसे कोई बच्चा मास्टर सेकेंड ईयर में था तो वो क्या कर सकता है, 6 मंथ्स का ले सकता है। अगर MSc के फर्स्ट ईयर में है तो वो 12 मंथ्स का ले सकता है, और अगर कोई 24 मंथ्स का लेके आना चाहता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये सिर्फ ज्वाइन करना चाहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप जल्दी से जल्दी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और जो पेमेंट है आई डोंट थिंक ज़्यादा महंगा है, पेमेंट सस्ता, आई थिंक 10,000 के आसपास है कोई, तो 10,000 में अगर तुम्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं तो ये बहुत सही है ना। अगर 6 मंथ्स का भी लेते हो तुम या फिर 12 मंथ्स का भी लेते हो तो मुश्किल से 200 या 300 रुपये तुम्हारे पर मंथ पड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा इतना महंगा नहीं है। तो तुम लोग ये ले सकते हो, 400-500 रुपये मंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये सब ले सकते हो तुम। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 10% ऑफ अप्लाई की करने की, तो 10% ऑफ के लिए आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। अब आपको इस ऑफ के लिए, आपको इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मेरी क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको सारे टीचर जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स होंगे आप सबकी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आपको सबके PDF नोट्स मिलेंगे। सो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं कि मैम सिर्फ आपकी क्लास मिलने वाली, नहीं, आपको सारे टीचर्स की क्लास मिलेंगी। और अगर मैं बात करूँ 10,000 की, तो आई थिंक ये ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप लगा सकते हैं कि आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना मंथ का कितना बनता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जैसे भी आपको सही लगता है। 10% ऑफ की मैं बात करूँ, कुमकुम 10 अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। आप पेमेंट के मेथड चूज कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू भी कर सकते हैं, UPI के थ्रू कर सकते हैं, और नो कॉस्ट EMI भी है इसमें ऑप्शन। वॉलेट पेटीएम हो गया, पेपल हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात करूँ, एक सुपर क्वेश्चन सीरीज है जो स्टार्ट होने वाला है ऑन Wi-Fi स्टडी CSIR नेट वाले चैनल पे। ये हमारा एक सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 26 जुलाई 10 AM। इसमें मैं और प्रियंका मैम लाइफ साइंसेस पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के लिए ऋचा मैम हैं एंड नीरज सर जो हैं फिजिक्स के लिए हैं। तो हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जितने भी तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसमें कराने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं इसको क्या है इसमें। गिवन बिलो इज अ मैट्रिक्स ऑफ अ पॉसिबल इंटरैक्शंस, बेनिफिशियल इज पॉजिटिव। इसमें बोला हुआ है जो बेनिफिशियल है वो पॉजिटिव से डिनोट करा है, हार्मफुल जो है वो करा है हमारा नेगेटिव से, एंड न्यूट्रल जो है जीरो से करा है, ठीक है, न्यूट्रल जो है जीरो से करा है। बिटवीन द स्पीशीज 1 एंड 2 द नेम ऑफ इंटरेक्शन दैट इज A, B, C and D। ये तो इंटरेक्शन के नेम है और ये दो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज ये हो गई, एक स्पीशीज ये हो गई, ये इंटरेक्शन के नेम हो गए। अब मैं क्या करती हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो कौन सा तुम्हें लग रहा है, जैसे सी तुमने पकड़ लिया पहले, ठीक है,
सी को पकड़ लिया। सी में क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। देखो सी हमारा क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव कब होता है, जब हम सिम्बायोटिकली म्यूचुअलिस्टिकली हम किसी चीज को हेल्प करते हैं एक दूसरे की। मतलब अगर मुझे जरूरत है तो मेरी कोई हेल्प कर देगा, अगर उसे जरूरत है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। तो जब हम म्यूचुअली काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। इसको हेल्प चाहिए तो ये दे देगा, इसको हेल्प चाहिए तो ये दे देगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, जब दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो अगर मेरा सी जो है म्यूचुअलिज्म हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन में ये ढूंढना है। मुझे सारे ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि सी में म्यूचुअलिज्म किस किस में है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, इसमें म्यूचुअलिज्म है सी पे, है ना, कुछ हो सकता है ये वाला सही हो, अभी हमें नहीं पता। अगर सेकेंड ऑप्शन को देखूं तो इसमें क्या दे रखा है सी पे, अमेंसलिज्म दे रखा है। क्या अमेंसलिज्म का जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नहीं। तो देखो एक ऑप्शन तो गया हमारा। थर्ड ऑप्शन को देखो, इसमें है कंपटीशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म एंड अमेंसलिज्म। देखो थर्ड वाले पे क्या है, म्यूचुअलिज्म आ गया, तो ये हो सकता है हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, यहाँ पे थर्ड पे क्या है, कमेंसलिज्म। क्या कमेंसलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो देखा हमने चार ऑप्शंस में से सिर्फ दो ऑप्शंस बचाए, हमारा ये एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा है, टाइम थोड़ा बचेगा हमारा। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपने देखा और देखा किस किस में है, उन दोनों को हटाया दिमाग में और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे प्रोसीड करा। ठीक है, चलो डी को देख लेते हैं आप। ठीक है, डी की बात करूँ तो क्या है, यहाँ पे जीरो है और नेगेटिव है, जीरो और नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ जीरो और नेगेटिव किस में होता है, जहाँ पे एक को तो फायदा, कुछ ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो क्या मैं अब तीन चार ऑप्शंस नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ जो दो ऑप्शंस बचे थे उसमें से देखूंगी। देखो अब डी वाले में इसमें क्या है, कमेंसलिज्म। क्या कमेंसलिज्म में नेगेटिव आता है, क्या कमेंसलिज्म में नेगेटिव आता है, नहीं आता। तो ये तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। तो अगर तुम एग्जाम में जाते तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ दो चीज देखने पे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाता। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। जब हमारा नेगेटिव और जीरो आता है उसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। चलो पूरा पढ़ लेते हैं। अगर मैं बी की ए की बात करूं, ठीक है ए की बात करूं, तो इसमें नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है। जब हमारा नेगेटिव नेगेटिव आता है तो मतलब क्या होता है, वो होता है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। अगर तुम किसी से कॉम्पीट करते हो, किसी से लड़ाई कर रहे हो, तो चोट अगर उसे लग रही तो तुम्हें भी चोट लगेगी। दोनों का नुकसान है, एक का नुकसान नहीं है, दोनों का नुकसान है। तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ए क्या हो गया हमारा, कॉम्पिटिशन, देखो सही है। बी की बात करूँ, बी में क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेडेशन हो गया, इसका मतलब प्रेडेशन हो गया, क्योंकि हमारा प्रेडेशन ही बचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रे होगा वो तो मारा जाएगा, वो तो नेगेटिव हो गया, लेकिन जो प्रेडेटर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसने तो उसको खाया है तो वो तो पॉजिटिव साइड पे रहेगा, उसको तो खाना मिला है, लेकिन जो प्रे है वो नेगेटिव में चला जाए। क्यों, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। तो ये होता है हमारा इंटरेक्शन। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू द के सिलेक्शन द आर सिलेक्शन फेवर्स। इसमें आर सिलेक्शन के बारे में पूछा हुआ है, कंपेरिजन करके के सिलेक्शन का। तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलो लास्ट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्लो डेवलपमेंट। क्या किसी के आर सेलेक्टेड स्पीशीज का स्लो डेवलपमेंट होता है, क्या किसी भी आर सेलेक्टेड स्पीशीज का स्लो डेवलपमेंट होता है, नहीं। देखो ऐसे याद रखो, जो के सेलेक्टेड स्पीशीज है, आर सेलेक्टेड स्पीशीज है, के वाली कौन सी होती है, तुम ध्यान रखो ह्यूमंस पे ध्यान रखो। तुम अपने आप को दिमाग में सोच के रखो के को, और आर को कैसे सोच के रखो, आर को सोच के रखो तुम इंसेक्ट्स, या फिर अभी जो टिड्डे आए थे राजस्थान में, ये तो तुमने सब सुना होगा न्यूज पे, तो उससे ध्यान रखो। ये क्या होते हैं, कभी कभी आते, बहुत सारे आते हैं, इनका बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया, स्लो डेवलपमेंट गलत हो गया। स्मॉलर बॉडी साइज हो सकता है ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आइटोपेरस भी दे रखा है, आइटोपेरस नहीं होता, ये मैं तुम्हें बताऊंगी अभी। नेक्स्ट बताते हैं, इसमें फिर से स्लो डेवलपमेंट दे दिया, तो क्या मुझे पढ़ने की जरूरत है, क्या मैं दोबारा इसको पढ़ूंगी, नहीं।
और ये जो आइटरोपेरस का मतलब होता है, आइटरोपेरस का मतलब है कि वो एक ऐसी स्पीशीज जो लाइफ में बहुत बार रिप्रोड्यूस कर सकती हो, जो रिप्रोड्यूस कर सकती हो मोर देन वंस। क्या इंसेक्ट हमारी मोर देन वंस रिप्रोड्यूस कर पाती हैं? नहीं, उनका इतना टाइम पीरियड होता ही नहीं है। वो कैसी होती हैं? सैमल पेरस होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करती हैं लाइफ में। दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ, एक ही बार में ही रिप्रोड्यूस करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सैमल पेरस हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को भी देखती हूँ, इसमें क्या है? रैपिड डेवलपमेंट है, स्मॉलर बॉडी साइज है, चलो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, अर्ली है, ये भी सही है। आइटरोपेरस आ गया। क्या ये आ सिलेक्टेड स्पीशीज हमारी आइटरोपेरस होंगी? सिर्फ 2-3 बार करेंगी ब्रीड या फिर रिप्रोड्यूस कर पाएंगी? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? गलत। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या होगा? रैपिड डेवलपमेंट होगा, स्मॉलर बॉडी साइज होगी एंड अर्ली डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा? सैमल पेरस रिप्रोडक्शन होगा। कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सैमल पेरस रिप्रोडक्शन होगा। इसके बारे में थोड़ा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके साथ यही डिस्कस कर लेते हैं। जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं, वो उनका अनस्टेबल इन्वायरमेंट होता है, उनका कोई सेलेक्टेड इन्वायरमेंट नहीं है, कोई स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है रहने का। वो अनस्टेबल इन्वायरमेंट में आती है, अनस्टेबल लाइफ साइकिल होती है उनकी। अगर मैं के सेलेक्टेड की बात करूँ तो हमारा कैसा होता है? स्टेबल इन्वायरमेंट होता है। जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज हैं वो स्मॉल साइज की होंगी, बहुत छोटे छोटे साइज की होंगी। तुमने देखा है इंसेक्ट बहुत छोटे छोटे साइज की होती हैं, यूं ही मर जाती हैं। और जो के सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं, उनका साइज जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं बड़ा होता है काफी। नाउ एनर्जी यूज्ड टू मेक इंडिविजुअल इज लो। तो तुम्हें पता है कि अगर आर सेलेक्टेड स्पीशीज हैं, एक बार ब्रीड कर रही हैं और इतना भी बड़ा बॉडी साइज नहीं है, तो क्या वो एनर्जी ज्यादा लगाने वाली है अपनी ब्रीडिंग पे? नहीं। तो जो एनर्जी यूज करी जाती है किसी इंडिविजुअल को बनाने के लिए, वो बहुत कम यूज करी जाती है। लेकिन अगर तुम ह्यूमंस की बात करो तो कितनी सारी एनर्जी यूज होती है टू मेक ए इंडिविजुअल इज वेरी हाई। तो बहुत ज्यादा हाई इंडिविजुअल के ऊपर एनर्जी यूज की जाती है। नेक्स्ट इज मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ये तुम्हें पता है कि कितने सारे बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तुमने देखा कितनी सारी इंसेक्ट आ जाती है एक इंसेक्ट से। सो मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस एंड दे हैव अर्ली मैच्योरिटी, बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। एज कम्पेयर टू द के सेलेक्टेड स्पीशीज, दे आर द लेस ऑफस्प्रिंग एंड लेट मैच्योरिटी। तुम देखो बच्चे को मैच्योर होने में ही कितना टाइम लग जाता है। तो के सेलेक्टेड जो स्पीशीज होती है वो लेस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी, पर उनमें लेट मैच्योरिटी आएगी। नेक्स्ट इज शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कभी पता नहीं कब मर जाएंगे, कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं है लाइफ की। लेकिन अगर मैं के सेलेक्टेड स्पीशीज की बात करूँ, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनकी बहुत लंबी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है कि इतने साल तक तो जी जाएंगी। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बड़ी होती है। नाउ ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ओनली वंस, ये मैंने तुम्हें अभी बताया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैमल पेरस। इसको क्या बोलते हैं? सैमल पेरस बोलते हैं। ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ओनली वंस। अगर मैं के सेलेक्टेड स्पीशीज की बात करूं, ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस मोर देन वंस। क्या कर सकते हैं? वो एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइटरोपेरस। क्या बोलते हैं? आइटरोपेरस बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट इज दे आर डेंसिटी डिपेंडेंट। ये क्या है? डेंसिटी डिपेंडेंट है। दे आर डेंसिटी डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। कोई मतलब नहीं है कितनी डेंसिटी क्या है, कि अपने मजे में जी जाते हैं, छोटी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसी में जी लेंगे, उसी में मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं के सेलेक्टेड स्पीशीज की बात करूँ, सो दे आर डेंसिटी डिपेंडेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज दे फॉलो अ टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। ये भी याद रखना, ये टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं, टाइप 3 को। लेकिन अगर के सेलेक्टेड स्पीशीज की बात करूँ तो ये टाइप 1 को करेंगे, टाइप 1 को करेंगे सर्वाइवरशिप कर्व को। तो आई होप ये कंपैरिजन समझ में आया होगा, और ये वाला टॉपिक तुम्हारा थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ होगा, आई विश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ईच ह्यूमन सेल हैज 6×10⁹ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम विल बी। अब मुझे क्या पूछा गया है? नंबर पूछा गया है किसका? न्यूक्लियोसोम का। अब मुझे ये बताओ, न्यूक्लियोसोम कितने नंबर का होता है? अगर इसका नंबर आप लोगों को पता हो तो, आप लोगों को पता हो तो सोचो एक बार, बताओ
जो न्यूक्लियोसोम का नंबर होता है वो होता है 200। तो हमें क्या करना है, इसको जितने भी हमें न्यूक्लियोटाइड पेयर दे रखे हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर दे रखे हैं हमें, दे रखे 6 × 10⁻¹, कितने 6 × 10⁻¹ अपॉन 200 कर देना है हमें, जितने न्यूक्लियोटाइड हमारे पास हैं, जितने न्यूक्लियोसोम हमारे पास हैं, हमें उसे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी, देखो 6 × 10⁻¹ हो गया, ये 200 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, 2 हो गया, 2 से 6 गया तो 3 बचा, और 2 से अगर 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻¹। तो इन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में तुम्हें करना बस इतना है कि तुम्हें जितना भी न्यूक्लियोटाइड पेयर दे रखा है, जितना भी पेयर देखा है, उसको 200 न्यूक्लियोसोम के जो नंबर होता है उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम बहुत अच्छे से कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबुलर प्रोटीन व्हेन ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट गेट डीनेचर्ड। मतलब अगर मैं किसी भी ग्लोबुलर प्रोटीन को लेती हूँ और उसको ट्रीट करती हूँ किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, तो क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसी है, ठीक है। नाउ द मेन इंटरेक्शन विच इज अफेक्टेड ऑन अ ट्रीटमेंट विद द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो मेन इंटरेक्शन किस पे इफेक्ट डालता है, मतलब अगर मैं क्लोरोफॉर्म डाल रही हूँ तो वो किस बॉन्ड पे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो डीनेचर हो रही है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें जो प्रोमिनेंट या फिर डोमिनेंट जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। कौन सा बनता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहीं भी क्लोरोफॉर्म डाल रही हूँ तो ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डीनेचर हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो याद रखो जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की ही बनी होती हैं। तो अगर तुम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल रहे हो और उन्हें डीनेचर कर रहे हो, इसका मतलब उनका हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन है उसको वीक कर रहे हो, तुम उसको इफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दे रखा है कि इम्परफेक्ट फंजाई इज अ ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय द फंगल स्पीशीज। तो एक होती है हमारे पास इम्परफेक्ट फंजाई, ये कौन सी क्लास से आती है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दे हैव अ सिंपल माइसीलिया, नहीं, इसकी वजह से नहीं बोलते इसको इम्परफेक्ट। अननोन फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, नो। लास्ट इज लॉस्ट इट्स सर्वाइवल मैकेनिज्म अगेंस्ट द हार्श एनवायरनमेंट, नहीं, इसको इसीलिए इम्परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, नो नोन मैकेनिज्म, हम नहीं जानते उस मैकेनिज्म को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से काम करती है लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। चलो पढ़ लेते थोड़ा बहुत इसके बारे में। देखो, फंजाई इम्परफेक्टे और इम्परफेक्ट फंजाई ऑल्सो नोन एज ड्यूटेरोमाइकोटा या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये इस क्लास की है, ड्यूटेरोमाइसिटीज आर द फंजाई विच डू नॉट फिट इन टू द कॉमनली एस्टेब्लिश्ड टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई। मतलब जिस बेसिस पे हमने टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन किया है फंजाई का, उस बेसिस पे ये नहीं फिट होती है, क्यों, दैट आर बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल स्पीशीज आर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेक्सुअल स्ट्रक्चर बिकम देयर सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हैज नेवर बीन ऑब्जर्व्ड। इनमें कभी भी सेक्सुअल फॉर्म नहीं देखी गई, कभी कोई सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं देखा गया, कहीं सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखी गई, तो ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। ओनली देयर ए सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन। तो हम सिर्फ जानते हैं कि ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें ये नहीं पता कि सेक्सुअली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इसीलिए हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। बट दीज फंजाई प्रोड्यूस देयर स्पोर्स ए सेक्सुअली इन द प्रोसेस कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बट दे कैन नॉट गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट इम्परफेक्ट फंजाई। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द माइक्रोस्कोप इन अ ग्रुप फर्स्ट एंड विद द वर्किंग प्रिंसिपल इन ग्रुप सेकेंड. ये हमारे माइक्रोस्कोप के नाम हैं, ये हमारे इनके फंक्शन के नाम हैं, हमें इनको मैच करना है. अब मुझे ये बताओ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ईजी कौन सा है इसमें पता करना. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ज़्यादा ईजी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ईजी है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ आया होगा मैं वहाँ पर क्या कर दूँगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लगा दूंगी. तो अगर मैं इसका देखूँ तो कौन सा वाला, देखो फिफ्थ वाला, यूजेस इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ द फोटोन्स एज अ एनर्जी सोर्स. तो मुझे पता चलना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही यूज करेगा इंस्टेड ऑफ फोटोन. फोटोन यूज नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा एज अ एनर्जी सोर्स, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं. तो मतलब आंसर हो गया एस का फिफ्थ. ठीक है, एस का फिफ्थ हो गया. अब इस चीज से देखो, एस का फिफ्थ ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसका मतलब ये सी वाला तो हो गया गलत. अब नेक्स्ट वाला देखती हूँ मैं, ब्राइट फील्ड या डार्क फील्ड. देखो डार्क फील्ड का मतलब होता है, चलो फेज कॉन्ट्रास्ट देख लेते हैं पहले. फेज कॉन्ट्रास्ट क्या करती है, फेज कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया कि जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अलग आए. देखो फेज कॉन्ट्रास्ट जो होती है हमारे लिविंग सेल्स के लिए यूज होती है, लिविंग सेल्स के लिए यूज होती है. तो क्या करता है, ये कॉन्ट्रास्ट अलग कर देता है बिटवीन द स्पेसिमेन एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम. तो पी का क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है पी का क्या हो जाएगा बताओ. हाँ, इसमें क्या होगा, डिफरेंस इन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम. तो सराउंडिंग, जैसे ये हो गया मेरा लिविंग सेल और ये हो गया मेरा सराउंडिंग मीडियम. तो लाइट जब फ्लो करेगी फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा. एक हमारा क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा और एक हो जाएगा डेंसर. तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ने वाला है. तो जो आंसर होने वाला है पी का थर्ड हो गया, पी का थर्ड हो गया तो मतलब बी आंसर होने वाला था. तो पी का थर्ड क्या हो गया, ये वाला हो गया. अब नेक्स्ट वाला देखूं, क्यू का फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, डार्क फील्ड है. डार्क फील्ड का मतलब है लाइट रीचेज द स्पेसिमेन ओनली फ्रॉम द साइड्स. तो साइड से अगर लाइट पहुंचेगी उसको बोलेंगे हम डार्क फील्ड. अगर मैं ब्राइट फील्ड की बात करूं तो उसका मतलब क्या है, ब्राइट फील्ड का मतलब हो गया डिफरेंस इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्पेसिमेन एंड द सराउंडिंग मीडियम. क्या होता है देखो, अब मैं समझाती हूँ इसका मतलब. फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का मतलब है फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द डच फिजिसिस्ट फ्रिट्स जेनिके इज अ कॉन्ट्रास्ट एनहेंसिंग ऑप्टिकल टेक्निक दैट कैन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस अ हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज. बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्ट्रास्ट इमेज बनाएगी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन सच एज लिविंग सेल की मैंने इससे बात करी. तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जो लिविंग सेल पे स्टडी करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, थिन टिश्यू स्लाइसेस हो गई या फिर लिथोग्राफिक पैटर्न्स हो गए या फाइबर्स हो गए, उसमें हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आता है. नेक्स्ट इज जब मैं डार्क फील्ड की बात करूँ, जैसे पीछे दे रखा था डार्क फील्ड, उसमें क्या होता है, एवरीथिंग इज विजिबल रिगार्डलेस ऑफ द कलर, यूजली ब्राइट वाइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड. डार्क बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ, ये सब तो डार्क हो गया लेकिन जो सिर्फ ये था, ये जो स्पेसिमेन था सिर्फ ये चमक रहा था और सब क्या था, डार्क था. तो ये हो गया डार्क फील्ड, मतलब डार्क फील्ड जो हुआ उसको बोलेंगे हम लोग डार्क फील्ड. नाउ नेक्स्ट इज ब्राइट बैकग्राउंड या फिर उसको क्या बोल देंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी. इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें ब्राइट फील्ड हो जाएगा, इसमें जो स्पेसिमेन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. देखो फील्ड मतलब होता है ग्राउंड, जो मेन चीज है वो ग्राउंड के ऊपर याद रखो, डार्क ग्राउंड है और तो स्पेसिमेन कैसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ठीक है चमकने वाला है. लेकिन अगर ब्राइट फील्ड तो मतलब स्पेसिमेन तो हमारा डार्क होगा और फील्ड कैसा होगा, ब्राइट होगा. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डार्क फील्ड था उसमें क्या दे रखा है, लाइट रीच द स्पेसिमेन ओनली फ्रॉम द साइड्स. ठीक है, डार्क फील्ड है मतलब फील्ड तो हमारा डार्क हो गया तो जो स्पेसिमेन होगा वो सिर्फ चमक रहा होगा. अगर ब्राइट फील्ड की बात करूँ तो कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस होगा अगर मैं बात करती हूँ किसकी. हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. आई होप तुम्हें समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इन द इवोल्यूशनरी ट्री गिवन बिलो टर्म्स ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली. तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है टुडे. टुडे मतलब प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट पे कौन सा दे रखा है, ई.
तो तुम्हें इसी से समझ में आना चाहिए था, जब प्रेजेंट पे ई दे रखा है तो ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब क्या होने वाला है, होमो सेपियंस मतलब होने वाला है ई का, है ना, ई का तो होमो सेपियंस मतलब होने वाला है। तो देखो लास्ट वाले ऑप्शन में तो क्या दे रखा है, होमो इरेक्टस दे रखा है, ये तो गलत हो गया। अब हमें ये पता है कि जो होमो इरेक्टस है उसे बोलते हैं कि जो होमो सेपियंस है वहां से अराइज हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए है वो हमारा होमो इरेक्टस होने वाला है, वो हमारा होमो इरेक्टस होने वाला है। अब मुझे बताओ होमो इरेक्टस कहाँ कहाँ पे है, दो जगह पे है, एक तो हमारा फर्स्ट वाले पे है, एक थर्ड पे है, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया। हाँ अब मेरे को ये बताओ जो होमो इरेक्टस हो गए, उसके बाद होमो हेडलबर्गस, ये वाला कौन सा, बी वाला, सी वाला कौन सा है, नियंडरथल मैन, और डी वाला कौन सा है, ये हो गया ए, ये तो अच्छा ये तो गलत ही हो गया, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो मुझे ये बताओ जो बी होगा वो ज्यादा क्लोज होगा इनके, बी जो होगा वो ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है ना, जो बी होगा वो ज्यादा क्लोज होने वाला है। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो आंसर कौन सा होगा हमारा, आंसर होगा नियंडरथल मैन वाला, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर होगा हमारा, क्योंकि जो नियंडरथल मैन है, ठीक है, ए बी सी, सी वाला नहीं, हाँ हाँ, तो ये वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर ऑफ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है, जो बायो स्टैटिस्टिक है, उसके क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत इजी आते हैं, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, रेंज हो गई हमारी, ठीक है, तो इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो उसका मतलब होता है स्क्वायर ऑफ मोड नहीं, स्टैंडर्ड एरर नहीं, इट्स अ वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है कि एक जगह से कितना डेविएट हो रही है चीज़ें, तो हम उसके बारे में पता कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर आर, मतलब अगर मैं इस चीज को इतना लेके चल रही थी लेकिन मेरा रिजल्ट जो आया है वो इतना आया है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना डेविएट कर रहा है, कितना डेविएट कर रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस चीज को निकालते कहते हैं, कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। देखो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ डेविएंस, ये हो गया टोटल नंबर पॉपुलेशन, ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन, उसमें से म्यू निकाल देते हैं, उसके बाद स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली जो होते हैं न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर नहीं आते, क्योंकि बहुत कम पहले आते थे न्यूमेरिकल्स, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इसमें से वेरिएंस पूछेंगे और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वगैरह पूछ लेंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इस वाले पार्ट में से। नाउ नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन वेरिएशन इन अ विंग लेंथ ऑफ अ बटरफ्लाई फ्रॉम फाइव डिफरेंट प्लेसेस वुड बी द बेस्ट बेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। उन्होंने बोला कि मुझे विंग लेंथ में वेरिएशन देखना था बटरफ्लाई की, तो मैंने क्या करा, पांच डिफरेंट प्लेसेस से ये मैंने अलग अलग से पकड़ ली बटरफ्लाई, तो मैं अगर अब लगाऊंगी तो कौन सा टेस्ट लगाने वाली हूँ, क्या मैं काई स्क्वायर टेस्ट लगाने वाली हूँ, मुझे क्या देखना है, वेरिएशन देखना है। काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा ऑब्जर्व्ड और एक्सप्रेस्ड में, तो यहाँ पे नहीं, प्रॉपर नहीं देखने को मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे पांच पांच वेराइटीज ले रही हूँ, ठीक है, रिग्रेशन को एनालिसिस नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, स्टूडेंट इज नो एफ टेस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एफ टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एफ टेस्ट होता क्या है, एफ टेस्ट क्या होता है, इट इज एन एनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच द टेस्ट स्टैटिस्टिक हैज एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नंबर ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ नल हाइपोथेसिस। इट इज अ मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल्स that have been fitted to a data set in order to identify the model that best fits the population from which the data was sampled। समझ में आया कि मैंने क्या करा, मैंने ए बी सी डी ई, मैंने पांच जगह से डाटा कलेक्ट करा, अब मैं क्या करूंगी,
अब मैं देखूंगी सबसे ज्यादा बेस्ट कौन से, पहले कंपेयर करूंगी, कंपेयर करने के बाद जो मैंने डाटा निकाला है उसके हिसाब से कौन बेस्ट फिट कर रहा है उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी कि डाटा का सैंपल जिस पॉपुलेशन से लिया है तो कौन सी पॉपुलेशन जो बेस्ट फिट कर रही है। तो जो एफ टेस्ट होता है ऐसे चीजों में काम आता है, एफ टेस्ट उस चीजों में काम आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसका मतलब क्या हुआ, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का क्या इफेक्ट होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आता है। देखो जो पेनिसिलिन होती है, जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ते हैं तब हम इस पेनिसिलिन का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है पेनिसिलिन, ये करती है कि जो बैक्टीरिया की जो लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, उसको ब्रेक डाउन कर, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है उसको तोड़ दे देती है, उसको तोड़ देगी, ठीक है। तो मैं बात करूँ डी वाले ऑप्शन की, इसमें क्या बोला है, एंटीबायोटिक इज एक्सक्लूड बाय द मेम्ब्रेन। नहीं, वो एक्सक्लूड कर ही नहीं पाएगी, वो तो क्लीव करके जाएगी उसको। इट डीएक्टिवेट्स द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अरे वो तो पूरी मेम्ब्रेन को तोड़ने वाली है, तो डीएक्टिवेशन का तो बात गलत ही हो गई, वो तो सब होना ही होना है। एंटीबायोटिक इज नॉट अलाउड टू एंटर द सेल। अरे वो तो मारने वाली है तो वो एंटर तो क्या ही करेगी, अलाउ कौन करेगा उसको। नेक्स्ट इज इट इनहिबिट्स द ग्लाइकोलेज मॉयटी ऑफ अ सेल वॉल एंजाइम। वेरी गुड, जितने भी ग्लाइकोलेज मॉयटी होती है, मतलब सेल वॉल को तोड़ना है तो जितनी भी ग्लाइकोलेज मॉयटी है जो उससे अटैच्ड है, पेप्टिडोग्लाइकन है, उनको क्या करेगी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तोड़ देगी, उसका ये वाला एक्शन होता है। देखो आई होप दिख रहा हो तुम लोग को ये, है ना। ड्रग्स इन द पेनिसिलिन क्लास वर्क बाय इनडायरेक्टली बर्स्टिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल। वो क्या करती हैं, बर्स्ट करवा देती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को। कैसे, दे डू दिस बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन अ पेप्टिडोग्लाइकन्स। तुम्हें पता है जो बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं और जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है। अगर मैं ग्राम पॉजिटिव की बात करूँ तो, अगर मैं ग्राम नेगेटिव की बात करती हूँ तो पेप्टिडोग्लाइकन होता होता है प्लस उसके साथ लिपोपॉलीसेकेराइड, दैट इज LPS भी मिलता है, लिपोपॉलीसेकेराइड भी मिलता है, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, दे डू दिस बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन अ पेप्टिडोग्लाइकन विच प्ले एन असेंशियल स्ट्रक्चरल रोल इन द बैक्टीरियल सेल। क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल्स है वो पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी रहती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर कोई भी पेनिसिलिन उस पर काम कर देगी तो वो क्या हो जाएगी, वो डाई हो जाएगी, वो मर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ बैक्टीरियम मल्टीप्लाइज, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है उस टाइम पे क्या करती है, स्मॉल होल्स ओपन अप इन इट्स वॉल एज द सेल डिवाइड्स, द न्यूली प्रोड्यूस्ड पेप्टिडोग्लाइकन देन फिल दीज होल्स टू रिकंस्ट्रक्ट द वॉल्स। मतलब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स बना देगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है, देखो मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया, तो छोटे छोटे पोर्स बना देता है जिसकी वजह से अगर दूसरा जो बनेगा उन पोर्स के थ्रू नई पेप्टिडोग्लाइकन बना देगा। तो पेनिसिलिन क्या करती है, ब्लॉक कर देती है प्रोटीन को दैट लिंक द पेप्टिडोग्लाइकन टुगेदर दैट प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम क्लोजिंग द होल्स इन इट्स सेल वॉल। मतलब जो सेल के होल्स कंप्लीट होके नई पेप्टिडोग्लाइकन बनाने वाले थे वो इन होल को ही ब्लॉक कर देगी, इनको क्लोज कर देगी, तो क्लोज होने ही नहीं देगी। अगर ये क्लोज होंगे नहीं तो मतलब खुल जाएंगे, खुलने के बाद क्या होगा, जो वाटर होगा वो इसके अंदर घुस जाएगा। अगर वाटर घुसेगा अंदर, एज द वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड इज इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर अगर रश होगा हमारे होल्स में तो वो क्या होगा, बस्ट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस्ट आउट हो जाएगा, समझो इस बात को। देखो एक बैक्टीरिया था, ठीक है, वो डिवाइड करने वाला था, उसने छोटे छोटे पोर्स बना दिए कि मुझे नई पेप्टिडोग्लाइकन बनानी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉर्मली नई पेप्टिडोग्लाइकन बना देता है, लेकिन ये जो पेनिसिलिन होगा वो क्या करेगा, इन पोर्स को क्लोज होने ही नहीं देगा, वो इनको खुले के खुले छोड़ देगा, जिसकी वजह से वाटर क्या करेगा, बाहर अंदर मूव कर जाएगा। वाटर आ गया अंदर, जैसे ही वाटर अंदर आएगा वो क्या कर देगा, इसको बर्स्ट आउट कर देगा। तुम सोचो अगर तुम्हारे पास पॉलिथीन है और तुम इसमें पानी भरे जा रहे हो तो वो फट जाएगी, वैसे ही बैक्टीरिया सेल वॉल क्या हो जाती है, बर्स्ट आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ फिजिकल एक्सरसाइज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द एक्टिव मसल्स इज इंक्रीज्ड।
अगर मैं बात करूं, मैं कभी फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हूं, मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रही हूं, तो मेरी ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है एक्टिव मसल्स में वो इंक्रीज हो जाती है, विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इन स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें उसमें से देखना है कि कौन ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करता है इन सबको। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ, इसमें क्या है, PO2 declines and PCO2 rises in the active muscles। तो मुझे ये बताओ, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ या फिर तुम लोग कभी एक्सरसाइज करते हो, फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तुमने देखा हो, तो वो गहरी सांस लेने लग जाता है, ऐसे से करके तेज तेज सांस लेने जाने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, जो प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर का ज़्यादा हो गया, बॉडी का कम हो गया, तो अंदर से बाहर जा रही है चीज़ें, ठीक है, सॉरी बाहर से अंदर जा रही है चीज़ें, तो वो तेज तेज लेने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितनी O2 आ सकती है बॉडी में उतनी उसको चाहिए। तो उसमें क्या मतलब है कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का हो वो डिक्लाइन कर जाएगा और पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सही। अगर ये सही हो गया तो हमारे जो थर्ड वाला ऑप्शन था वो भी गलत माना जाएगा, जो फोर्थ वाला ऑप्शन था ये भी गलत माना जाएगा। अब हमें चूज करना है इन दोनों में से, फर्स्ट वाले में से एंड सेकंड वाले में से। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड वाला पढ़ूंगी और चीज़ें देख लेंगे क्या होता है। अ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड pH इज डिक्रीज्ड इन एक्टिव मसल्स। तो मुझे ये बताओ, कभी तुमने अगर एक्सरसाइज करी हो तो तुम्हारा क्या होता है, शरीर जो होता है गरम गरम होने लग जाता है, तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है और जो pH है वो डिक्रीज होने लग जाता है एक्टिव मसल्स का। तो ये तुम्हें याद रखना है, दिस इज वेरी ट्रू। तो आंसर विल बी योर सेकेंड। अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाता है और pH डिक्रीज हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्लाइन हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है जब हम मसल्स, जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी एक्टिव मसल की हालत ये वाली होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, pH कम हो जाएगा, PO2 कम हो जाएगा एंड PCO2 ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखूं, आंसर तो हमारा निकल के आ गया सेकेंड। अब मैं ऑप्शन को देखूं, इसमें क्या बोला है, 2,3-bisphosphoglycerate इज डिक्रीज्ड इन RBCs एंड P50 राइजेज। तो मुझे ये बताओ, 2,3-bisphosphoglycerate का काम क्या होता है, BPG जो होता है वो क्या करता है, हमारे राइट साइड में कर देता है ग्राफ को। दैट मींस क्या कर रहा है, ये हमारी जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तब इसका रोल भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, डिक्रीज्ड बोला है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज्ड होता तो सही होता, अभी क्या है, डिक्रीज्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेटाबोलाइट एक्युमुलेटिंग इन द एक्टिव मसल्स इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो गई, मतलब ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। इन्होंने क्या बोल दिया, एक्टिव मसल्स क्या करेंगी, एफिनिटी इंक्रीज कर देंगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि CO2 का ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो वो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती हैं, एक साथ हम इंक्रीज नहीं कर सकते एफिनिटी हीमोग्लोबिन की। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए एंड बी विल बी आर आंसर। देखो ये थोड़ा बहुत पढ़ लो, When 2,3-BPG binds to the deoxyhemoglobin, it acts to stabilize the low oxygen affinity state of the oxygen carrier. मतलब जब 2,3-BPG हमारा बाइंड कर जाता है डीऑक्सी, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इट एक्ट्स टू स्टेबलाइज द लो ऑक्सीजन एफिनिटी। वो क्या करता है, वो उस ऑक्सीजन एफिनिटी को कम रखने की कोशिश करता है। This release is potentiated by the Bohr's effect. इसमें Bohr's effect show करने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, In which hemoglobin binding affinity for oxygen is also reduced by the lower pH and high concentration of carbon dioxide. जिसकी वजह से क्या होता है, hemoglobin की जो oxygen के साथ binding capacity थी वो क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, pH जो होगा कम हो जाएगा और higher concentration हो जाएगी CO2 की। ठीक है, तो BPG का तो फंक्शन बढ़ना चाहिए था पीछे, लेकिन वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए वो ऑप्शन हमारा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ जेड स्कीम डिस्क्राइब्स अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन O2 इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म।
द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग सिक्वेंसेज। तो अब हमें पता है, ठीक है, अब हमें ये पता है कि देखो P60 और P70, P60 क्या करता है हमारा, फ्यू फाइटिंग को करेगा, ठीक है, फ्यू फाइटिंग को करेगा, QA के पास जाएगा, QB के पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, साइटोक्रोम B65 के पास जाएगा और P700 के पास में जाएगा। चलो ये तो हमें पता था कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं ए ऑप्शन की बात मानूं, अगर मेरा ए ऑप्शन सही है, ठीक है, अगर मेरा ए ऑप्शन सही है, इसका हम सी का भी देख लेते हैं। अगर सी की बात करूं, उसमें क्या दे रखा है, P680, फियो फाइटिन, QA, QB, साइटोक्रोम B6F, PCN 700। तो मुझे ये बताओ ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, PC पहले आता है या फिर साइटोक्रोम B6F पहले आता है। ऑब्वियसली जो P6F होता है वो बाद में आएगा, मतलब वो पहले आ जाएगा, PC उसके बाद में आएगा, PC के बाद वो 700 पे जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला सही होगा। दोनों को कंपेयर कर लिया, ये वाला हो गया, चलो सी वाला हमारा एक आंसर आ गया। अगर नेक्स्ट वाला देखती हूँ, उसमें क्या है, देखो सी वाला, इसमें ये वाला गलत हो गया हमारा आंसर, ये वाला भी गलत हो गया। अब इन दोनों से चूज करना है। नाउ इसमें क्या है, P700, फाइलोक्विनोइन, SA, SB, SX और FD, ऐसा वाला होता है? नहीं। आंसर क्या होता है, P700 पहले आएगा, उसके बाद फाइलोक्विनोन आएगा, फिर SX आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर फेरोडॉक्सिन आएगा। तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी विल बी योर आंसर, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अटेम्प्ट टू स्टडी द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सीक्रेटरी वेसिकल्स कंटेनिंग इंसुलिन अलोंग अ माइक्रोट्यूब्यूल इन द कल्चर्ड पैनक्रियाटिक सेल्स, हाउ वुड ट्रीटमेंट विद कॉल्सीमिड अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज वेसिकल्स। तो मुझे ये बताओ, मैंने इसमें क्या बताया, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसमें बोला गया है कि मैंने एक अटेम्प्ट करा एक पढ़ाई करने का, जहाँ पे मैं पढ़ रही थी क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल पढ़ रही थी, जहाँ पे इंसुलिन उसको कैरी किया हुआ था, मतलब इंसुलिन को कैरी, एक जो सीक्रेटरी वेसिकल था उसने इंसुलिन को कैरी कर रखा था, सीक्रेटरी वेसिकल ने इंसुलिन को कैरी कर रखा था। उसके बाद अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द कल्चर्ड पैनक्रियाटिक सेल्स, तो मैंने क्या करा, कॉल्सीमिड का उसको ट्रीटमेंट दे दिया। तो मुझे ये बताओ कि उसका ट्रांसपोर्ट जो होगा वेसिकल का, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं, कॉल्सीमिड इंड्यूसेस अ पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच इन टर्न वुड एक्टिवेट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अगर तुम्हें कॉल्सीमिड का फंक्शन नहीं पता तो तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉल्सीमिड का फंक्शन होता है क्या, कि वो क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल को पॉलीमराइज होने से रोक देता है, इनहिबिट करता है। तो क्या पहला वाला आंसर सही होता, उसने क्या बोला कि वो इंड्यूस कर रहा है पॉलीमराइजेशन को, तो ये वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया, फर्स्ट वाला विल बी और रॉन्ग। क्यों, क्योंकि वो इंड्यूस नहीं करता पॉलीमराइजेशन को। अगर मैं लास्ट वाला देखूं, ऑप्शन फोर्थ वाला, कॉल्सीमिड एक्टिवेट टी स्नेयर प्रोटीन्स एंड इन टर्न एक्टिवेट वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, इसका कोई मतलब नहीं है टी स्नेयर और वी स्नेयर से, उसका सिर्फ मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल से, उसका किससे मतलब है, माइक्रोट्यूब्यूल से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मतलब है। तो ये वाला भी गलत हो गया। अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखूं, इसमें क्या है, कॉल्सीमिड इनहिबिट्स द वेसिकुलर ट्रैफिकिंग थ्रू द इनएक्टिवेशन ऑफ वी स्नेयर प्रोटीन, इसका कोई मतलब नहीं है वी और टी स्नेयर से, उसको कोई लेना देने नहीं है। उसको क्या करना है, पॉलीमराइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज इनहिबिटेड, वेरी गुड, इसने क्या करा, इनहिबिट कर दिया बाय द कॉल्सीमिड व्हिच इन टर्न वुड इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल। तो आंसर विल बी योर सेकंड, जो कॉल्सीमिड होता है वो तुम्हारा क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल की जो पॉलीमराइजेशन होगा उसको रोकेगा और ट्रांसपोर्ट जो था वेसिकल का उसको इनहिबिट कर देगा। चलो कॉल्सीमिड पढ़ लेते हैं। कॉल्सीमिड क्या है, एक माइटोटिक इनहिबिटर है, क्या है, माइटोटिक इनहिबिटर है। इट कैन इनएक्टिवेट द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, मतलब ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं बनने देगा। अगर तुमने मेरी सेल साइकिल वाली क्लास नहीं देखी है, थर्ड वाली है ना, तो उसको जाके देखो, मैंने तुम्हें काइनेटोकोर का पूरा स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। यहाँ पे काइनेटोकोर होता है,
यहाँ पे हमारा जो होता है माइक्रोट्यूबुल अटैच रहता है, इसे माइक्रोट्यूबुल अटैच रहता है, तो मतलब क्या है, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, किसमें, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। तो अगर मुझे ये बताओ, ये कॉल्सिमेट अगर मैं डाल रही हूँ तो वो माइक्रोट्यूबुल पे इफेक्ट कर रहा है, तो क्या वो स्पिंडल फाइबर बनने देगा, नहीं बनने देगा। इट विल इनएक्टिवेट द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इट बाइंड्स टू द प्रोटीन ट्यूबुलिन, देयर बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय दोज दैट हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड। तो कॉल्सिमेट का कौन है दुश्मन, दुश्मन है कौन, माइक्रोट्यूबुल। तो जहाँ भी उसको माइक्रोट्यूबुल मिलेगा या फिर प्रोटीन ट्यूबुलिन मिलेगा, वो सबको इनहिबिट करता जाएगा, चाहे वो बन चुका है या फिर वो बनने वाला है या फिर ऑलरेडी फॉर्म्ड है, ठीक है। तो कॉल्सिमेट का फंक्शन होता है टू इनहिबिट अ स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन, ठीक है। तो माइक्रोट्यूबुल कहीं भी मिलेंगे उनको इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ प्रोटीन्स अकर व्हेन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कॉम्पीट फॉर द सेम हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन कैसे बनता है, जैसे ये डोनर हो गया, ये एच हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, जब दोनों आपस में कम्पीट करते हैं, कम्पीट का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ अच्छा सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है। तो जो एंगल थीटा होता है इसके बीच में, ठीक है, जो एंगल थीटा होगा इसके बीच में बिटवीन द डोनर एंड द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वॉज डिटरमाइंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सरे स्ट्रक्चर। तो अब तुमसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर कभी मुझे किसी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक्सरे स्ट्रक्चर निकाल सकते हो प्रोटीन्स का, ठीक है, प्रोटीन का एक्सरे स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा किसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मुझे ये बताओ कि जब प्रोटीन जब बनती है, जब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है या फिर टूटना स्टार्ट होता है, एक बात मुझे नॉर्मली बताओ। ऑब्वियसली बनना स्टार्ट होने वाला है, अगर ये बनना स्टार्ट होने वाला है, अगर बनने वाला ही है, तो क्या पहले ये टूटेगा फिर बनेगा और फिर उसका टूट जाएगा, ऐसा होगा कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड का? नहीं, ये गलत हो गया, ये सिर्फ तुम्हारा आंखों का टेस्ट था। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हूँ, चलो ठीक है बना, फिर क्या, फिर क्या टूटने लग जाएगा, डीनेचर हो जाएगा? नहीं, ये भी गलत हो गया। सी वाले में क्या है, वो बने बने जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, ओनली सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइलम इन विच द एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल इन द लार्वल स्टेजेस एंड रेडियली सिमेट्रिकल इन द एडल्ट स्टेजेस। ये मैं बता चुकी हूँ बहुत सारी क्लासेस में जब मैं पढ़ाती हूँ कि इकाइनोडर्मेटा जो है, ये वाला जो इकाइनोडर्मेटा है, उसका जो एडल्ट होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन अगर मैं इसके लार्वा की बात करूं तो वो कैसा शो कर रहा है, वो कर रहा है रेडियली सिमेट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और अगर मैं इसमें से बात करूं, देखो ये मोलस्क जो होगा वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा। निमेटोड्स की बात करूँ तो ये भी हमारे बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। ये सीलेंट्रेट्स की बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे रेडियली सिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सीलेंट्रोन जो है रेडियली सिमेट्रिकल है, नेमेटोड एंड मोलस्क आर द बायलेटरली सिमेट्रिकल, इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं उनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी, लेकिन जैसे वो बड़े हो जाएंगे वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। देखो अगर मैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, तो इसमें क्या है, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। मतलब क्या होता है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन कंडीशन में पाए जाते हैं। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी एक्सक्लूसिवली आए या फिर ऑलवेज आए या फिर ऑल आए, तो तुम्हें 80 to 90% समझना है कि क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन देखो अब कुछ ऐसा भी चीज़ है कि जहाँ पर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, अगर इकाइनोडर्मेटा का आता है तो तुम्हें लगा देना है, अगर वो बोले एक्सक्लूसिवली मरीन तो हाँ वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स ही होते हैं, वो मरीन कंडीशन में ही पाए जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज द लार्वल फॉर्म्स शोज अ बायलेटरल सिमेट्रिकल, जैसे मैंने पहले पीछे वाली उसमें दिखाया क्वेश्चन में, एंड एडल्ट शोज अ रेडियल सिमेट्री, तो ये वाला तो सही हो गया। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दे हैव थ्री लेयर्स, कौन सी, एक्टोडर्म,
मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। ये मीजोडर्म किसको लाइन करती है? ये लाइन करती है सीलोम को। कोई भी कैविटी जब तक वो सीलो मीजोडर्म से लाइन नहीं है, हम उसको सीलोम नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट इज इट एग्जिबिट्स अ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम एक प्रॉपर फंक्शन करता है। दे हैव अ ट्रू सीलोम, मतलब जो इनकी सीलोम है वो किससे करी है, किससे लाइंड है, वो लाइंड है किससे, मीजोडर्म से लाइन है, मीजोडर्म से लाइन है, इसलिए हम इसको क्या बोले हैं, ट्री सीलोम बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी हैज अ डिस्टिंग्विश वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इन लोग के पास में। अगर तुमने स्टारफिश का देखा हो तो यहाँ पे पूरा एम्पिला होता है, वाटर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। बॉडी के बाहर से चीजें होती हैं, डिफ्यूजन वगैरह जितना भी हमारा हो रहा होता है वो इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मतलब जो बॉडी कैविटी है, जो इनकी बॉडी कैविटी है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम शो करती है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन अकर थ्रू द ट्यूब फीट एंड गिल्स, तो इनकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस अलग अलग रेस्पिरेशन शो करती हैं, लेकिन जनरल की बात करूँ तो जनरल में हमारा ट्यूब फीट आएगा और गिल्स आएंगे। तो अगर मैंने कभी तुम्हें पढ़ाया इसके बारे में तो इसकी पूरी क्लासेस के बारे में बात करेंगे, और उसकी क्लासेस के अलग अलग रेस्पिरेशन प्रोसेस हैं, अलग अलग रेस्पिरेशन जो ऑर्गन से वो अलग अलग हैं, तो अगर हमने कभी बात हुई तो हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट, नॉट याद रखो, नॉट वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना ऑफ स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। नॉट फिनोमेना बोला है, पहला क्या बोला है कि ओल्डर कम्युनिटीज आर मोर स्पीशीज रिच, ऐसा है कि ओल्डर जो कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा रिच होती हैं, ऐसा होता है कुछ, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तुम बोलते नहीं हो कि जो मेरी दादी हैं वो ज़्यादा, उन्हें ज़्यादा पता है चीज़ों का, वो ज़्यादा नॉलेज रखती हैं, उन्हें कल्चरल नॉलेज है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिच हैं। तो जितना ओल्डर कम्युनिटी होगा, मतलब बहुत सारे लोग जो ओल्डर कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे वो ज़्यादा रिच होंगे, ज़्यादा स्पीशीज रिच होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबलाइज हो चुके हैं अपनी कंडीशन में, उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया में फेवरेबल कंडीशन बना दी हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन बना दी तो लोग वहाँ रहने भी आएंगे, तो वहाँ पे स्पीशीज रिच रिचनेस वाला एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो ये वाला हो गया सही। अगर ये वाला सही हो गया तो मतलब ये तो गलत नहीं हो सकता, ये वाला गलत गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज एरिया सपोर्ट मोर स्पीशीज। ऑब्वियसली अगर मेरे पास लार्ज एरिया है, अगर मैं छोटे एरिया में रह रही हूँ, अगर मैं किसी 10 किलोमीटर वाले एरिया में रह रही हूँ, ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं हम 10 किलोमीटर वाले एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जितनी स्पीशीज हो सकती है वो सिर्फ इतनी सी एरिया में आएंगी। लेकिन अगर कोई 100 किलोमीटर वाले एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज होंगी, तो ये वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला सही हो गया तो ये वाला भी गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया। अब आंसर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो सी वाले को देखो, नेचुरल इनेमीज प्रमोटेड द रिड्यूस्ड स्पीशीज रिचनेस एट अ लोकल लेवल। तो मुझे ये बताओ कि अगर प्रेडेटर और प्रे नेचुरल बोला है उसमें, ये देखो कोई सिंथेटिक नहीं डाला है हमने, नेचुरल बोला है, तो प्रेडेटर अगर प्रे के ऊपर फीड नहीं करेगा तो क्या हमारी फूड चेन काम करेगी? और ये तो हमारा नेचुरल फिनोमेना है स्पीशीज रिचनेस का, कि वहाँ पे जितनी ज़्यादा स्पीशीज रिच होंगी उतना ही हमारा ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट अच्छा होगा। मतलब अगर प्रेडेटर प्रे का कोई रिलेशनशिप हो रहा है तो एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है ये, ठीक है। इसका क्या मतलब है स्पीशीज रिचनेस उसने उससे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा गलत। ऐसा कुछ नहीं होता कि नेचुरल फिनोमेना के बाद में, मतलब नेचुरल इनेमीज जो हैं उनको हम अगर हटा देंगे तो हमारी स्पीशीज रिचनेस बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया गलत। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा सेकेंड। अब डी वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, कम्युनिटीज इन अ क्लाइमेटिकली सिमिलर हैबिटेट्स मे देमसेल्व्स बी सिमिलर इन स्पीशीज रिचनेस। अपने इन्होंने बोला है कि वो कम्युनिटीज जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहती हैं, पर्टिकुलर सिमिलर हैबिटेट में रहती हैं, वो सिमिलर हो सकती है स्पीशीज रिचनेस के लिए। हाँ, ये तो पॉसिबल है कि अगर दो कम्युनिटी अगर सिमिलर इन्वायरमेंट में रह रही हैं, सिमिलर हैबिटेट में रह रही हैं, तो सिमिलर स्पीशीज रिचनेस शो कर सकती हैं, ये तो हो सकता है, ये तो बाई चांस वाली बात है। नेक्स्ट इज ग्रेटर प्रोडक्टिविटी परमिट्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर स्पीशीज। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे अच्छी अच्छी स्पीशीज हैं, मोर स्पीशीज हैं, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ये भी सही, गलत कौन सा हो गया, सी वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली सी, दैट इज 2।
ठीक है, ये वाला आंसर नहीं है, डी वाला आंसर नहीं है, सी वाला आंसर है, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस इज अ नंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज रिप्रेजेंटेड इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। स्पीशीज रिचनेस का मतलब हुआ कि डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज, ऐसे नहीं बोल रहे कि यहाँ पे 100 स्पीशीज हैं और लेकिन 100 नंबर हैं इंडिविजुअल्स के, और जो स्पीशीज कितनी हैं, 5 टाइप की हैं, ठीक है। एक जगह क्या है, 50 नंबर है, लेकिन जो स्पीशीज रिचनेस है वो 25 है। तो मुझे ये बताओ कौन सी ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी, ये वाली ज़्यादा होगी। नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है, कितनी वेराइटीज प्रेजेंट हैं। देखो, अगर तुम घर पे लेके आए आम 5 किलो के, 5 किलो के एक वेराइटी के आम थे, तो वो स्पीशीज रिचनेस होगा। या फिर तुम 5 किलो आम लेके आए 5 वेराइटीज़ के, तो वो स्पीशीज रिचनेस होगी। जो 5 किलो आम 5 वेराइटीज़ के लेके आए, वो होगी स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। सो लैंडस्केप और रीजन्स, स्पीशीज रिचनेस इज सिंपली अ काउंट ऑफ स्पीशीज, स्पेशली मतलब तुम देख लो कितनी स्पीशीज हैं, एंड इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द अबंडेंस, मतलब वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो नहीं देखना है, हमें देखना है नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है और द रिलेटिव अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है, तो आना चाहिए तुम लोग ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ वेरियस वेज इन द कैरेक्टर्स मे इवॉल्व। देखो, जो ये वाले हैं डार्क वाले हैं, दीज आर द डिराइव्ड वन, इधर जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिराइव्ड, और जो ऐसे हैं खाली वो है एंसेस्ट्रल ट्रेड। ये जो मैं चीज़ें हैं तुम्हें करा चुकी हूँ अपनी, जो अगर जाके देखना टैक्सोनॉमी की क्लासेस लेना, ठीक है, यूट्यूब पे ही है, मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। तो मैं तुम्हें ये सब करा चुकी हूँ, तो मैं आज इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ जितने भी हैं यहाँ पे उतने मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। चलो करते हैं। Which of the following is the correct definition of the character evolution pattern shown above? तो मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें बताया था, एक होता है ऑटो एपोमॉर्फी, एक होता है एपोमॉर्फी, एक होता है सिनेपोमॉर्फी, ठीक है। ऑटो का मतलब मैंने बताया था जो खुद के बारे में सोचता हो, तो मतलब एक वाला। एपोमॉर्फी जो दोनों डिसेंडेंट्स के पास हो जाएगा, सिनेपोमॉर्फी जो बच्चों और माँ बाप मतलब एंसेस्टर के पास में, बच्चों के पास में भी, तीनों के पास हो जाएगा, ठीक है। तो पहला अगर मैं देखूँ, ठीक है, पहला अगर मैं देखूँ तो ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है, और ये इसके पास भी है, इसका मतलब तीनों के पास में है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, सिनेपोमॉर्फी हो गया, ये क्या हो गया, सिनेपोमॉर्फी हो गया। तो इसमें कौन सा, मैं देखूँ अगर ए का सिनेपोमॉर्फी इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, हो सकता है थर्ड वाला हो सकता है फोर्थ वाला हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाला देख लेती हूँ, ठीक है। इसमें देखूँ मैं, एक तो मेरा इधर आ रहा है और एक मेरा इधर आ रहा है, तो क्या ये किस वाले में होता था, मैंने तुम्हें बताया था ये किस में होता है, ये होता है जब हम होमोप्लासी की बात करते हैं, किसकी, होमोप्लासी की बात करते हैं। तो क्या मेरे थर्ड वाले ऑप्शन में होमोप्लासी है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, होमोप्लासी तो आया ही नहीं इसमें। तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें होमोप्लासी है, तो ये हो गया सही, मतलब ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर जो पर्टिकुलर किसी एंसेस्टर में नहीं था, लेकिन देखो डिसेंडेंट्स में, अलग अलग डिसेंडेंट्स में आ गया, तो ये क्या हो गया, होमोप्लासी हो गया। नेक्स्ट इज हमारा ये क्या है, देखो एक में आया है खाली है, मैं तुम्हें बता चुकी अगर एक में आ रहा है, तो एक में अगर खुद के बारे में सोच रहा है, मतलब ऑटो एपोमॉर्फी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑटो एपोमॉर्फी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। सिनेपोमॉर्फी मतलब तीनों, मम्मी पापा सब में आ गया, सारे डिसेंडेंट्स में भी आ गया। बी, जब हमारा होमोप्लासी एक्स में आया। एपोमॉर्फी जब खुद अकेले में डिराइव्ड कहीं से आ गया, जो उसके एंसेस्टर में भी नहीं था, वो अलग से निकल के आ गया, वो भी सारे डिसेंडेंट्स में नहीं, सिर्फ एक डिसेंडेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, सेवरल फ्यूजन कंस्ट्रक्ट वर डेवलप्ड टू प्योरीफाई हेट्रोलोगस प्रोटीन्स इन ई कोलाई, द टेबल बिलो लिस्ट फ्यूजन पार्टनर्स एंड लिगेंड्स। अब हमें फ्यूजन पार्टनर्स दे रखे हैं और हमें लिगेंड दे रखे हैं, अब हमें इसका आंसर निकालना है। जब मैं क्लासेस में तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें बताती रहती हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने आई थिंक कल भी बात करी थी, मैंने आज भी बात करी थी इसके बारे में, कि जो बायोटिन होता है, जो बायोटिन होता है, कौन सा हमारा विटामिन है,
ये ध्यान रखो, ये जो बायोटिन विटामिन होता है, ये इसकी जो एफिनिटी होती है सबसे ज्यादा बाइंड करने की, वो इसके साथ होती है एविडिन के साथ में। किसके साथ में? एविडिन या फिर स्ट्रेप्टोविडिन, दोनों एक ही बात है, स्ट्रेप्टोविडिन। तो इनके साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है बाइंड करने की। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, तो ये स्ट्रेप्टोविडिन हो गया। अब किसके साथ एफिनिटी शो करता है? बायोटिन के साथ। मतलब क्या हो गया? सेकेंड का आंसर जो होगा मेरा ई होगा। अब मुझे देखना है सेकेंड का आंसर ई किस में है। देखो, जब मैच ऑफ द फॉलोइंग आते हैं ना क्वेश्चंस, तो तुम ये ध्यान रखो कि तुम्हें अगर एक चीज भी आती है, अगर तुम्हें एक चीज भी आती है, उसके बेसिस पे भी तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। आई एम टेलिंग यू, मैच ऑफ द फॉलोइंग इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, सेकेंड का ई हो गया। अब देखो मैं ढूंढू, अगर फर्स्ट में सेकेंड का डी है, चलो ये तो गलत। इसमें क्या है? सेकेंड का बी है, ये भी गलत। सेकेंड का ई है, देखो ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट वाला सेकेंड का डी है। तुम्हें पता चला मैंने सिर्फ एक आंसर से, मतलब सिर्फ एक मैच से मैंने पूरा क्वेश्चन निकाल दिया। ये कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें अगर एक चीज पता है तो तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का क्या है? माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन। माल्टोज किससे बाइंड करता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। जब हम शुगर की कोई बात करते हैं, तब हमारा कौन सा प्रोटीन आता है? तब आता है हमारा अमाइलोज। कौन सा आता है? अमाइलोज प्रोटीन आता है। ठीक है, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट इज ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरिजेस। ग्लूटाथायोन ट्रांसफेरिजेस कहाँ पे काम आने वाला है? तो ग्लूटाथायोन ट्रांसफेरिजेस में देखो, यहाँ पे ग्लूटाथायोन दे रखा है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। थर्ड का क्या हो जाता? सी हो जाता। थर्ड का क्या हो जाता? सी हो जाता। जब हम फ्लैग टैग की बात करते हैं ना, जब हम फ्लैग टैग की बात करते हैं, ठीक है, जब हम फ्लैग टैग की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की। मतलब क्या हुआ? मोनोक्लोनल का मतलब होता है सिर्फ एक टाइप की, ठीक है, एक टाइप की जो होती है वो एक फ्लैग टैग की तरह काम करेंगी। तो फ्लैग टैग आएगा, इसका मतलब स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। नेक्स्ट इज सिक्स हिस्टिडीन टैग। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, सिक्स हिस्टिडीन टैग। ये जो क्वेश्चन होता है ये वैसे भी आ जाता है। ये जो हमारा निकल के साथ अपनी एफिनिटी शो करता है, किसके साथ? निकल के साथ करेगा। देखो जैसे हमारा बायोटिन एविडिन के साथ शो कर रहा था, वैसे ही हमारा हिस्टिडीन जो होता है वो किसके साथ एफिनिटी शो करता है? निकल के साथ शो करता है। तो जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, उसमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये कि जहाँ पे हिस्टिडीन होगा वहाँ पे निकल के साथ उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा अगर हिस्टिडीन होगा तो। आई होप ये इसके साथ साथ तुम्हें चार या पांच चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब हमें क्या बताना है? पिक द कॉम्बिनेशन, ऑल करेक्ट बताना है। हमें क्या बताना है? ऑल करेक्ट बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, इसमें क्या बोला है? हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तुम जब केमिस्ट्री जब हम पढ़ते थे 11th या 12th में, जब जो पहला चैप्टर था शायद, या फिर पता नहीं कौन सा चैप्टर था, स्टार्टिंग में ही दे रखा था ये सब चीज़, जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना स्टार्ट करते थे, तो उसमें हमें पता है जो हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, वो सिर्फ न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है, कोई प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं होता। देयर विल बी नो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दे हैव बीन शोइंग द डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स। तो ये वाला आंसर कौन सा होगा? ये वाला तो हो गया गलत। अगर ए गलत हो गया तो हमारा, देखो ये भी गया और ये भी गया, आंसर कौन सा हो सकता है? सी हो सकता है, या फिर सेकेंड हो सकता है, या फिर फोर्थ हो सकता है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये तो सही हो गया। अगर ये सही हो गया तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। देखा, तुमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी ऊपर वाली और तुमने आंसर निकाल लिया, तो कितना इजी होगा ये चीज। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर डिफर करते हैं, प्रोटॉन्स पर डिफर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वाला इज ऑप्शन, both deuterium and tritium are radioactive and decay to the hydrogen and deuterium respectively. ऐसा नहीं होता, this is not true. तो ये true नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। Now अब हमें पता है कि जो tritium है एक radioactive है molecule है जो decay होता है किसमें? Helium में। याद रखो जो tritium है
एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एक रेडियो एक्टिव है मॉलिक्यूल है जो डिके किसमें होता है, डिके होता है 01 हीलियम में, ठीक है, किसमें, हीलियम में डिके होगा, हीलियम, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कार्बन 14 डिकेज टू नाइट्रोजन 14, यस, जो कार्बन 14 होता है वो हमारा डिके किसमें होता है, नाइट्रोजन 14 में डिके होता है। लास्ट इज, तो ये भी सही हो गया। F की बात करूँ तो इसमें क्या दे रखा है, कार्बन 14 डिकेज टू कार्बन 13, नहीं वो कार्बन 13 में डिके नहीं होगा, वो कार्बन 14 जो होगा वो किसमें, नाइट्रोजन 14 में डिके हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ आई होगी तुम्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, गिवन बिलो आर द सेट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मेथड्स और पैरामीटर्स इन अ कॉलम ए एंड देयर पोटेंशियल एप्लीकेशंस यूटिलिटी इन द बायोलॉजिकल रिसर्च इन अ रैंडम मैनर इन अ सेकंड बी। अब तुम्हें क्या करना है, मैच अप द फॉलोइंग करना है करेक्ट ऑप्शंस का। देखो आ गया ये वाला क्वेश्चन, मैंने तुम्हें बताया था ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अगर तुम्हें पता है काई स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर क्या होता है, जब हम डिफरेंस पता करते हैं एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू में और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू में, किसमें, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू में और एक्सपेक्टेड वैल्यू में, तब क्या आता है हमारा काई स्क्वायर एनालिसिस आता है। तो अगर तुम देखो डी का ऑप्शन, देखो डी का देखोगे, काई स्क्वायर एनालिसिस का मतलब क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो ये क्या हो गया, डी का थर्ड हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन गया थर्ड वाला, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन गया, हो सकता है कौन सा फर्स्ट वाला आंसर हो सकता है थर्ड वाला आंसर हो। अब मुझे ये बताओ वेरिएंस क्या होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि वेरिएंस क्या होता है, अभी तुम्हें बताया, अगर मैं वेरिएंस की बात करूं, इसमें देखो इसमें वेरिएंस दे रखा है, ए जो दे रखा है सेकंड ऑप्शन दे रखा है एक जगह, और एक जगह दे रखा है फोर्थ ऑप्शन, चलो दोनों पढ़ लेते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे। इसमें क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द नोन वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड वेरिएबल। तो क्या है, ऐसा कुछ होगा वेरिएंस का मतलब, या फिर क्या होगा, कैलकुलेट द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली मैं क्या देखूंगी, चलो मुझे ये वाला आंसर नहीं पता, ये वाली चीज मुझे नहीं पता, अगर मैं देखूं यहाँ पे बी का फोर्थ है और बी का फर्स्ट है, तुम इसको देख लो, बी का फोर्थ का देखोगे तो कैलकुलेशन स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कोरिलेशन जो कोफिशियंट है बी का फोर्थ हो सकता है, क्या वो एक कैलकुलेशन कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टू मर्क, क्योंकि कोफिशियंट और कोरिलेशन की बात होगी, अगर कोरिलेशन की बात करोगे तो दो लोगों के बीच में बात करोगे ना, एक लोग के बात तो करोगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बी का फर्स्ट देखूं, अगर मैं बी का फर्स्ट देखूं तो उसमें क्या दे रखा है, मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कोफिशियंट कोरिलेशन होगा, मतलब जो बी का मेरा आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, डी का कौन सा हो गया, डी का हो गया थर्ड। अब ए का कौन सा हो जाएगा हमारा, ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा, हाँ हाँ, तो ए का कौन सा हो जाएगा हमारा, वेरिएंस क्या होगा हमारा, स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता करना होगा, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अब मैं सी को देखूँ, सी क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या है, कि प्रेडिक्शन ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द नोन वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड वेरिएबल, तो ये होता हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। आई होप तुम्हें ये चीजें समझ आई होंगी, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, और अगर ये वाला हो सके तो तुम एक बार ढंग से पढ़ लेना इनकी डेफिनेशंस को, क्योंकि इसकी डेफिनेशंस ही आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ सेलुलर बॉडी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर बॉडी। हमें एक ऐसी सेलुलर बॉडी को सेलेक्ट करना है जो पार्ट नहीं हो न्यूक्लियर बॉडीज का। तो अगर मैं बात करूँ इंटरक्रोमेटिन ग्रेन्यूलस क्लस्टर्स, तो मुझे ये बताओ अगर इंटरक्रोमेटिन लिखा हुआ है, क्रोमेटिन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा, इंटरक्रोमेटिन तो होते ही होते हैं। अगर काजल बॉडीज की बात करूँ तो ये भी हमारे कहाँ मिलती है, न्यूक्लियस में मिलती है, ये भी हमारे न्यूक्लियस में मिलती है। न्यूक्लियोलस की बात करूँ, ये भी हमारा न्यूक्लियस में मिलता है, लेकिन ये जो पी बॉडीज हैं वो हमारी न्यूक्लियस में नहीं मिलती हैं, ये हमारे साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। ये कहाँ मिलती हैं, साइटोप्लाज्म में मिलती हैं, ये हमारे न्यूक्लियस में नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, न्यूक्लियोलस की, ठीक है, न्यूक्लियस की बात करूँ,
इज द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस डोमेन इन द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस, मतलब जो सेल का न्यूक्लियस है वहां पे हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अभी जो न्यूक्लियस होता है इसका मेन फंक्शन होता है किसका, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखो, जो न्यूक्लियस होता है वो आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, मतलब राइबोसोमल प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, एंड राइबोसोम बायोजेनेस करेगा। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी आरआरएनए की, या फिर राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हैं, सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का नाम तो आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज काजल बॉडीज। ये जो काजल बॉडीज होती हैं, ठीक है, दे आर फाउंड और दे आर द रीजंस विद इन द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है दो तीन बार। तो ये जो काजल बॉडीज होती हैं, दे आर एनरिच्ड इन द प्रोटीन्स एंड आरएनएज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है कि जो काजल बॉडीज होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आरएनए होगा प्लस प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, और ये हमारी कहाँ मिलेगी, ये हमारी मिलेगी न्यूक्लियस में। ये कहाँ मिलेगी, न्यूक्लियस में। इन्वॉल्व्ड इन एमआरएनए प्रोसेसिंग, कहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, एमआरएनए प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व्ड है। दे आर द मेन साइट्स फॉर असेंबली ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, SNRNPs, SNRNPs की मेन साइट होती है जहाँ पे असेंबली होती है। तो तुम्हें काजल बॉडीज याद रखनी है, एक ऐसे रीजन है विद इन द न्यूक्लियस दैट आर एनरिच्ड इन द प्रोटीन्स एंड आरएनएज इन्वॉल्व इन एमआरएनए प्रोसेसिंग, दे आर द मेन साइट फॉर असेंबली ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो ये होती है हमारी काजल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट अबाउट द क्रोमेटिन इज नॉट ट्रू, जो बिल्कुल ट्रू नहीं है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, बोला हुआ है कि डीएनए वाइंड्स अप्रॉक्सीमेटली 1.65 टाइम्स अराउंड द न्यूक्लियोसोम। देखो, मुझे नहीं पता कितने टाइम्स होता है कितने नहीं होता, लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो 80-90% वो क्वेश्चन में सही होगी। वो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि हम साइंस के बच्चे हैं, अगर हम वैल्यूज याद करने लग गए तो फिर चीज़ें कहाँ जाएंगी। तो नॉर्मली जो वैल्यूज दी जाती हैं वो बिल्कुल ट्रू दी जाती हैं, तो 80-90% हमें मान के चलना चाहिए कि हाँ, वो वैल्यू वाला अगर क्वेश्चन है तो आंसर जो होगा सही होगा, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, H2A, H2B binds to both entry and exit of ends of DNA in a nucleosome. ऐसा कुछ होता है कि एंट्री और एग्जिट पे बाइंड करके रखते हैं डीएनए के? ये तो बहुत अटपटा सा नहीं है, तुमने कभी पढ़ा है इस चीज को? नहीं। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। आंसर क्या होगा, सेकेंड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स इन्फ्लुएंस क्रोमेटिन कॉम्पेक्शन। ये तो तुम्हें पता है कि जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, यहाँ पे क्या बाइंड करेंगे, हिस्टोन्स बाइंड कर जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते जाएंगे, कॉम्पैक्ट होते जाएगा डीएनए, देखो ऐसे पास पाता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो ऐसे हो जाएगा और हमारा क्या बना देगा, वो हमारा बना देगा क्रोमोसोम। ठीक है, ये बना देगा क्रोमोसोम। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन अगर हिस्टोन में होती है तो वो क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन ही कराती है, दिस इज वेरी ट्रू। नेक्स्ट इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर अ पार्ट ऑफ अ माइटोटिक क्रोमोसोम। यस, ये चाहे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो या फिर हिस्टोन प्रोटीन्स हो, सारा पार्ट प्ले करती हैं जब हम माइटोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो एनएचपी प्रोटीन्स भी, मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड हिस्टोन प्रोटीन बोथ वर्क इन मेंटेनिंग और मेंटेनिंग द कंडेंसेशन ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो ये वाला हो गया सही। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जाने तो अ हिस्टोन ऑक्टामर, जो हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, इज अ 8 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फाउंड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। कहाँ पे मिल रहा है, सेंटर पे मिल रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द 4 हिस्टोन, जैसे कैसा हो गया, H2A हो गया, H2B हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, इन सब की क्या होगी, दो दो कॉपीज होती हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कितने हो गए, 4 हैं, अगर पेयर में प्रेजेंट है तो कितने हो गए, 8 हो गए। द ऑक्टामर रिजेंबल्स, सॉरी असेंबल्स व्हेन अ टेट्रामर कंटेनिंग अ 2 कॉपीज ऑफ बोथ H3 एंड H4 कॉम्प्लेक्सेस विद द H2 एंड H2B डाइमर्स। तो ऐसे ऑक्टामर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ये क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द एपीसी मॉडल। अगर तुमने पढ़ा हो, मैंने आई थिंक कल वाली क्लास में पढ़ाया था, शायद कल वाली मॉर्निंग वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने अनअकैडमी पे, तो तुम अगर चाहते हो इसको देखना तो वहाँ देख लेना क्लास में। नाउ
बेस्ड ऑन द एबीसी मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट लॉस ऑफ क्लास ए, अगर क्लास ए का लॉस हो जाता है तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमिन एंड कार्पल. विच ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कंट्रोल द क्लास ए एक्टिविटी. देखो यहाँ कुछ और रामकथा गाई उसने, और उसने क्या बोल दिया लास्ट में, क्या पूछा, क्लास ए की एक्टिविटी कौन से जीन हमारे कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो क्लास ए के जीन्स होते हैं वो होते हैं अपेटेला 1, अपेटेला 2. अगर मैं क्लास बी जीन्स की बात करूँ तो कौन से होते हैं, अपेटेला 3 एंड पिस्टिलेटा, एंड पिस्टिलेटा. और क्लास सी जीन्स की बात करूँ तो कौन से होते हैं, ए गैमस. ठीक है, ए गैमस होते हैं. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन किसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, ये जीन्स पता होने चाहिए, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो तुम वहां से जाके देख लेना. तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अपेटेला 1 एंड अपेटेला 2 विल बी द क्लास 1 या फिर क्लास ए जीन्स होंगे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट हॉर्मोन दैट इज गिबरेलिक एसिड इज नॉट जनरली नॉट एसोसिएटेड विद. ठीक है, ये स्टेम लॉन्गेशन कराता है. हाँ, ये स्टेम लॉन्गेशन कराता है. ठीक है, ये हमारा जो पार्थेनोकार्पी होगा, हाँ ये भी कराएगा, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस नहीं कराता है. पार्थेनोजेनेसिस कैसे करा देगा, ये प्लांट की बात हो रही है, जेनेसिस कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत. माल्ट प्रोडक्शन, हाँ ये माल्ट प्रोडक्शन कराता है. देखो अगर मैं थोड़ी बात करूँ, देखो गिबरेलिक एसिड अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं कहीं और पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीज़ें डाल दी हैं जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा. देखो फोर्थ वाला पढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. गिबरेलिक एसिड इज अ जर्मिनेशन प्रमोटिंग फाइटो हॉर्मोन्स दैट ऑल्सो स्टिमुलेट द इंटरनोडल ग्रोथ. मतलब क्या हुआ, अगर मेरा प्लांट ऐसे था पहले, ठीक है, ऐसे प्लांट था मेरा, फिर क्या होगा, ये जो इंटरनोडल ग्रोथ है, मतलब ये अब इतनी ग्रोथ हो जाएगी. देखो इतनी ग्रोथ, ये इंटरनोडल ग्रोथ होती है, तो ये क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है ड्यूरिंग अ सीडलिंग डेवलपमेंट. इसके लिए इंपॉर्टेंट है, गिबरेलिक एसिड इज वाइडली यूज इन द बार्ले और माल्टिंग इंडस्ट्री. किसमें, माल्टिंग इंडस्ट्री में यूज होता है. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना माल्ट प्रोडक्शन, तो ये बार्ले और माल्टिंग इंडस्ट्री में यूज होता है. अगर मैं सेकंड की बात करूँ, इट इज यूज इन अ ग्रेप ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में भी, ग्रेप ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एज अ हॉर्मोन टू इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज बंचेस एंड बिगर ग्रेप्स. तो ये भी याद रखना, दे कैन स्टिमुलेट द रैपिड स्टेम, जैसे बोला मैंने रैपिड स्टेम का इलॉन्गेशन कराएगा, एंड रूट ग्रोथ, इंड्यूस द माइटोटिक डिविजन इन द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स एंड इंक्रीज द सीड जर्मिनेशन रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement is not correct for Casparian strip? तो कौन सा जो statement है correct नहीं है for the Casparian strips? Now, it breaks the continuity of a water movement through apoplastic pathway. देखो ये question के options भी याद करते जाना, तो ये सही है. तो ये क्या करता है, ये water movement की जो continuity, जो water flow कर रहा होता है उसको रोक देता है apoplastic pathway से. It is formed in the growing part of the root. देखो ये गलत है, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है हमारे ग्रोइंग पार्ट में नहीं बनता, ये हमारे ग्रोइंग पार्ट में नहीं बनता, ये दिस इज वेरी रॉन्ग. इट इज फॉर्म्ड सेवरल मिलीमीटर्स और सेवरल सेंटीमीटर्स बिहाइंड द रूट टिप. दिस इज ट्रू, रूट टिप के बिहाइंड ये सेंटीमीटर और कुछ मिलीमीटर्स में बन जाता है. इट इज अ बैंड, हाँ कैस्पेरियन बैंड भी बोलते हैं, विद इन द रेडियल सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस. कहाँ, रेडियल सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस, That is impregnated with lignin. This is very important. इसको याद कर लो. इसमें बोला है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं या फिर बैंड हैं, वो क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस की रेडियल वॉल में प्रेजेंट है. That is impregnated. इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें लिग्निन की impregnated भी है, लिग्निन भी फाउंड होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो थोड़ा बहुत कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में पढ़ो. जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं इज अ बैंड ऑफ सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिटेड इन द रेडियल वॉल्स एंड ट्रांसवर्स वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस. आया समझ. नाउ द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड ऑफ सुबेरिन एंड लिग्निन ऑल्सो इम्प्रेगनेटेड विद अ लिग्निन. तो ये भी सही हो गया. नाउ कैस्पेरियन स्ट्रिप इज एम्बेडेड विद अ सेल वॉल एंड एंडोडर्मल सेल्स इन अ नॉन ग्रोइंग रीजन. उसमें क्या बोला था, ग्रोइंग रीजन. इसमें क्या है, नॉन ग्रोइंग रीजन ऑफ द रूट बिहाइंड द रूट टिप. तो ये वाला तुम याद रखना. नाउ कैस्पेरियन स्ट्रिप सर्व एज अ बाउंड्री लेयर सेपरेटिंग द एपोप्लास्ट ऑफ द कॉर्टेक्स. जैसे कॉर्टेक्स का एपोप्लास्ट हो गया,
है ना, ये कॉर्टेक्स एपिप्लास्ट हो गया, फ्रॉम द एपोप्लास्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, ये हो गया हमारा वेस्कुलर टिश्यूज का एपोप्लास्ट। तो इसको प्रिवेंट करती है, इनकी मीटिंग को प्रिवेंट कर देती है, बाउंड्री लगा देती है एस्पिरिन स्ट्रिप, सो थेरबाय ब्लॉकिंग द डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू। तो कोई भी मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाता, ये काम होता है तुम्हारे एस्पिरिन स्ट्रिप का। ये क्वेश्चन पढ़ो, गिवन बिलो आर द ग्रोथ इक्वेशंस वेयर डी एन डी टी इज डिफाइंड एज। अब विद रेफरेंस टू द अबव इक्वेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो इसमें बोला है बी रिप्रेजेंट, जो बी वाला ये वाला बी रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ए रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो बी तो हाँ, बी तो हमारा एक्सपोनेंशियल को शो कर रहा है, बी तो एक्सपोनेंशियल शो कर रहा है, ठीक है, वो आर एन होता है, डी एन डी टी अपॉन आर एन होता है, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। लेकिन ये वाला जो है वो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट इज बी रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चलो ये भी सही है, एंड डी रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो तुम मुझे ये बताओ क्या ये लॉजिस्टिक वाला ग्रोथ वाला होगा। लॉजिस्टिक क्या होता है, डी एन ओवर डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो क्या सही होगा, हाँ ये वाला क्या होगा, सही होगा, तो मतलब सेकेंड वाला सही होगा। अगर थर्ड वाला ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, बी रिप्रेजेंट जीरो ग्रोथ, ये तो वैसे गलत हो गया, जीरो ग्रोथ क्या, तो वैसे गलत हो गया। फोर्थ वाला ऑप्शन देखें, ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डी रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो ए थे वो तो हमारा नहीं शो कर रहा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी योर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज अ करेक्ट वन दैट रेफर्स टू द होलोटाइप। देखो ये मैं टैक्सोनॉमी में करा चुकी हूँ, तो मैं सारा तुम क्लास से जाके देखो प्लेलिस्ट पे, और उसके बाद तुम, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ तुम्हें आंसर बताने वाली हूँ। नाउ स्पेसिमेंस कलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन, स्पेसिमेंस कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड डेजिग्नेटेड एज अ टाइप स्पेसिमेन ऑथर। तो क्या डिफरेंट लोकेशन से जब लिखेंगे तब हम उसे होलोटाइप बोलेंगे, नहीं, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट इज अ सिंगल स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन अपॉन विच द नेम इज बेस्ड एंड डेजिग्नेटेड एज अ नॉमेनक्लेचर टाइप बाय द ऑथर। यस, ये होगा हमारा होलोटाइप, एक सिंगल ओरिजिनल जो होता है वो होता है हमारा होलोटाइप। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, उसमें क्या है, स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस एंड डेजिग्नेटेड एज अ टाइप स्पेसिमेन, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब देखो अगर तुम्हें वैसे समझ नहीं आता, तो देखो यहाँ पे भी डिफरेंट लोकेशन दे रखा है, यहाँ पे भी डिफरेंट प्लेसेस दे रखा है, तो अगर तुम्हारा ये वाला भी गलत हो रहा है तो ये वाला भी गलत हो ही जाना था। तो इसका थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसी चीज़ों को समझा करो। A single specimen designated to serve as a nomenclature type, chalo sahi hai wala, when all the materials on which the name of taxon was based is missing. Ye to galat ho gaya, to answer kya hoga, answer will be your 2. To answer kya hoga, tumhara 2 hamara tumhara answer ho jayega, theek hai. Next question, in context of the diversity patterns of the species, which one of the following is incorrect. Ye bhi main tumhe kara chuki hu, to main iska zyada discussion nahi karne wali hu. Now, alpha diversity is a diversity within a single community. हाँ ये तो सही है, एक single community में होती है। अगर beta diversity की बात करें, is a measure of the change in the species composition from one community habitat or to another. ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। Next क्या है, alpha diversity is a regional diversity found among range of communities in a geographical region. अगर हमारा ये वाला सही हो गया, कम्युनिटी वाला, तो क्या रीजनल डाइवर्सिटी वाला सही होगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर विल बी थर्ड, क्यों, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। अगर फोर्थ वाला देखूंगी, तो गामा डाइवर्सिटी इज अ रीजनल डाइवर्सिटी फाउंड अमंग अ रेंज ऑफ कम्युनिटीज हैबिटेट इन ज्योग्राफिकल रीजन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा ऊपर से नीचे चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमारे दो ही कंडीशन में होता है, चाहे हमारा पैरासाइट वाला कंडीशन हो या फिर हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम वाला कंडीशन हो, इसके अलावा ये कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ, डी से बात करते हैं, पिरामिड ऑफ द बायोमास ऑफ द ग्रास लैंड एंड पिरामिड ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर मैं नंबर की बात करती हूँ, नंबर वाला तो हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, वो तो नहीं होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला, तो और बायोमास वाला नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, नंबर वाला नहीं होगा ऐसा। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ अ ग्रासलैंड।
एनर्जी आ गई, एनर्जी तो हमेशा ऊपर ही जाती है, एनर्जी का तो ऐसे ही बनता है हमेशा 10% ऑफ चला जाता है वो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये वाला भी। नाउ पिरामिड ऑफ अ नंबर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम एंड पिरामिड ऑफ द बायोमास, नहीं ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर तो हो जाएगा हमारा पैरासिटिक वाला, और पिरामिड ऑफ बायोमास होगा पॉन्ड इकोसिस्टम वाला, तो ये वाला हमारा सही होगा, ये वाला हमारा सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जाइलम इन द प्लांट्स, जाइलम के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकरी एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर इन अ वेस्कुलर प्लांट्स, तो तुम्हें पता है इसमें ट्रेकिट्स होते हैं, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो ये तो हमारा सही लग रहा है मुझे तो। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द सीव एलिमेंट। अब मुझे ये बताओ सीव एलिमेंट किस में होते हैं, ये तो फ्लोएम में होते हैं, और फ्लोएम किसके लिए होता है, फूड कंडक्टिंग सिस्टम है, तो ये वाला तो गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेशन इन द वेस्कुलर प्लांट्स, एसिमिलेशन का तो कोई बात ही नहीं होती है, वाटर की बात होती है, तो ये भी गलत हो गया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स, ये भी गलत हो गया, तो आंसर कैसा हो जाएगा, आंसर विल बी योर फर्स्ट वन, जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं जाइलम की, जहाँ पे हम लोग ट्रेकरी एलिमेंट्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन मेरे को ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज रिप्रेजेंट अ फुली रिजॉल्व्ड फाइलोग्राम, तो क्या ये डी वाला, अगर तुम देखोगे दिमाग खुद लगाओगे, क्या ऐसा तुमने कभी फाइलोग्राम देखा है, कभी फाइलोजेनेटिक ट्री देखा है ऐसा वाला, नहीं ये तो गलत हो गया, ऐसा देखा है ये भी गलत हो गया। अब तुम्हें फर्स्ट में से चूज करना है, सेकेंड में से चूज करना है। देखो जब हम फाइलोग्राम की बात करते हैं, तो जो फाइलोग्राम होता है अगर तुमने पढ़ा हो, तो ये हमारा रूप उसके साथ फाइलोग्राम के साथ में मतलब उसके लेंथ भी शो कर देता है, मतलब ये जो प्रॉपर जो लाइनिंग होती है पर्टिकुलर लेंथ भी शो करती है, तो यहाँ पे सब तो इक्वल है, यहाँ पे किसी की लेंथ तो पता नहीं चल रही हम लोगों को, लेकिन अगर तुम यहाँ पे बात करोगे, देखो ये पहले ये इवॉल्व हुआ लेकिन पीछे रह गया, लेकिन ये एडवांस इवॉल्व हो गया, ये थोड़ा बहुत इवॉल्व हुआ लेकिन इसका जो दूसरा वाला डिसेंडेंट था वो पीछे रह गया, ये थोड़ा इवॉल्व हो गया, ये कम हो गया, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट विल बी योर आंसर। तो अगर तुम्हें रिजॉल्व करने आए फाइलोग्राम, तो तुम्हें क्या देखना है, पहले तो देखना है कि वो प्रॉपर है कि नहीं, मतलब प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर उसमें लेंथ का दे रखा है, मतलब लेंथ अगर वेरी करे, इसका मतलब वो लेंथ को बता रहा है कि कौन पहले एडवांस बना है, या फिर कौन कितना एडवांस हो चुका है, कौन कितना पीछे रह चुका है, किसने ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, कौन कितना इवॉल्व हो गया है, तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री का काम होता है दिखाना, तो इसने ये दिखा रखा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट विल बी योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आई थिंक हो गया तुम्हारा। नाउ विच मैच ऑफ द कोएंजाइम्स इन द कॉलम वन सर्विंग एज अ ट्रांजिएंट कैरियर्स ऑफ द स्पेसिफिक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है इससे लगा के। नाउ अगर मैं बात करती हूँ कोएंजाइम ए की, ठीक है, कोएंजाइम ए की बात करती हूँ, तो वो क्या करता है, एक असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है, असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, तो असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है मतलब ए का फोर्थ हो गया, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ए का फोर्थ हो गया, ठीक है, कोएंजाइम ए हमारे असाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। अगर तुम फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एफएडी की बात करते हो, एफएडी क्या करते हैं, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में काम आते हैं, किसमें काम आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में, जहाँ पे एच पॉजिटिव का लेन देन होता रहता है, तो एच पॉजिटिव का लेन देन होता रहता है, मतलब क्या होगा, बी का थर्ड हो गया, चलो ये वाला भी सही है, बी का थर्ड हो गया। अब थायमिन पाइरोफॉस्फेट की बात करती हूँ, ठीक है, थायमिन पाइरोफॉस्फेट क्या करता है, थायमिन पाइरोफॉस्फेट हमारा क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर करता है, किसका, एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर का, और जो पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट होता है वो अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, फर्स्ट विल बी योर आंसर। देखो ये पढ़ लो, हाँ देखो, अगर मैं थायमिन की बात करूँ, जो इसका कोएंजाइम होता है वो होता है टीपीपी, थायमिन पाइरोफॉस्फेट होता है, जो क्या कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर भी करा रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन भी करा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करूँ राइबोफ्लेविन की, विच इज B2, जिसमें FAD आता है और FMN आता है, ये क्या कराते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। अगर मैं B6 की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट होता है, जो कोएंजाइम की तरह काम करेगा, जिसका काम क्या होता है, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर कराना।
नेक्स्ट अगर मैं नियासिन की बात करती हूँ तो इसमें एनएडी पॉजिटिव आता है, एनएडी भी पॉजिटिव आता है, ये भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कराता है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कराता है मतलब इसमें भी एच पॉजिटिव और इसका लेन देन होगा, तो ये वाला भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट इज पेंटोथेनिक एसिड जो होता है B5, वो कोएंजाइम ए सीक्रेट करता है। देखो तुम्हें ये भी याद रखना है, तुम्हें ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, कैसे पूछ सकते हैं। कोएंजाइम ए जो होगा वो हमारा एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। बायोडिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, कार्बोक्सिलेशन के लिए, तो ये क्या करेगा, CO2 ग्रुप का ट्रांसफर कराएगा। फॉलिक एसिड जो होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है, THF होता है, जो क्या कराता है, 1 कार्बन ग्रुप का ट्रांसफर कराएगा। जो विटामिन 12 होता है वो डिऑक्सी एडिनोसाइल कोबालमिन होता है, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कराता है। तो अगर तुम्हें अच्छे से विटामिंस पढ़ना है तो मैंने अन अकेडमी पे ये विटामिंस कंप्लीट करा रखे हैं, तो तुम मुझे वहां से ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई है, तुम लोग भी काफी बोर हो गए होंगे, और आई होप तुम लोग के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो और तुम इसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। देखो जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं सिर्फ उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, उसके ऑप्शंस पे ध्यान देना है, और उससे रिलेटेड एरिया से पढ़ना है, उस रिलेटेड टॉपिक से पढ़ना है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो मुझे यहाँ से ज़्यादा प्रिपेयर करना है, मुझे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं है कि तुम कहीं लगे पड़े हो कहीं, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे से क्वेश्चन आते ही नहीं है, वैसा नहीं करना है। जहाँ से स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को देखो, उसके क्वेश्चन देखो कौन से आए हुए हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, प्रियंका मैम भी क्वेश्चन करा रही हैं, और एक क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है हमारी, कब से, हाँ तो क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है हमारी, तो तुम वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो तुम्हें जिससे क्या होगा, तुम्हारा बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन से टॉपिक को कवर नहीं करना है। और मैं मतलब मुझे लगता है ऐसा कि तुम लोगों को क्लास में थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, तुम्हें समझ में आई होंगी चीज़ें, तुम्हें कुछ नया सीखा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।